पानी पीऊंगा। आजकल बहुत थकावट से महसूस कर रहा हूँ। अरे आपकी खांसी को एक महीने से ऊपर हो गया है, मेरी मानिए कि आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। लगता है डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। हाँ नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। मेरी रिपोर्ट्स आई है। अच्छा रिपोर्ट आ गई। आपकी रिपोर्ट में आया है कि आपको टीबी है। टीबी? मुझे टीबी कैसे हो सकता है? अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है और अब तो दवाइयों से इसका पूरा इलाज भी मुमकिन है। आपका इलाज 6 महीने चलेगा और बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप एक भी दिन दवाई खाना ना भूलें और इसमें आशा वर्कर्स तो आपकी मदद करेंगे ही। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बस आपको कुछ एहतियात बरतने होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी अंदर आइए। नमस्ते। नमस्ते जी। आप आशा वर्कर है ना, जिसके बारे में मुझे अस्पताल में बताया गया था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बैठिए। अच्छा हाँ जी, मैं ही आपके एरिया की आशा वर्कर हूँ। आपका टीबी वाला केस मेरे को दिया गया था तो अब 6 महीने के लिए आपको दवाई खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। 6 महीने आऊंगी मैं आपके घर। हाँ जी, तो आपको दवाई दूंगी और आपने मेरे सामने बस दवाई खा लेनी है। 6 महीने तो बहुत लंबा समय है, मैं ये कर भी पाऊंगा? हाँ जी हाँ जी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब टीबी ऐसी बीमारी नहीं रही, 6 महीने तक आपको बस दवाई खिलानी है, उसमें हम आपका पूरा साथ देंगे और मैं आपको रोज दवाई खिलाने आऊंगी। बस 6 महीने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे सुनिए आप, अरे ठीक है बोल दिए। अरे फरारे थे। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे मुकेश तुम यहाँ बाहर कैसे घूम रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि सारे मोहल्ले को तुम्हारी बीमारी हो जाए? क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? मैं अब ठीक हो चुका हूँ और मैंने पूरा 6 महीने कोर्स ले लिया है और मेरी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ गई है। ये सब 6 महीने का कोर्स हमें मत सिखाओ, हमें अच्छे से आप बताइए इसे देखिए। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे ठीक तो बोल रहा है, बोल तो रहा है कि इसने 6 महीने का कोर्स पूरा किया है और मैंने सुना है इसके घर वालों का टेस्ट भी नेगेटिव आया है। हाँ हमने सबने टेस्ट किए थे। और अगर हम नए जमाने में भी पुरानी सोच रखेंगे तो टीबी का अंत कैसे होगा? हाँ ये ठीक बोल रहे हैं। गलत समझी थी। अब मैं पूरी तरह से टीबी मुक्त हो चुका हूँ, पर जब मुझे पता लगा था कि मुझे टीबी है तो मेरे मन में बहुत ज्यादा प्रश्न उठे थे, जैसे कि मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरा इलाज कैसे होगा, मैं ठीक भी हो पाऊंगा, और एक अलग सा ही डर था मेरे मन में। पर सभी की सहायता की वजह से आज मैं टीबी मुक्त हूँ। मेरी इस जर्नी में सभी ने मेरी मदद की है, मेरे घर वालों ने, डॉक्टर्स ने और आशा वर्कर्स ने, और इन सभी की मदद की वजह से आज मैं टीबी मुक्त हूँ। पुष्पा देवी हमीरपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली महिला है। वो अपने परिवार समेत लखनऊ से हिमाचल काम की तलाश में आई थी। कुछ समय से तबीयत खराब होने के चलते जब उन्होंने डॉक्टर के पास अपनी जांच कराई तो पता चला कि उन्हें आंतों का टीबी है। यही तो मतलब कैसे हुआ आपको? शुरू में मतलब खांसी वगैरह हुई, पता कैसे चला की है? पता पहले बुखार जैसा था। अच्छा। फिर धीरे धीरे खांसी होने लगी। हाँ जी। फिर जाके पता चला। कितने टाइम तक? तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा था।
ये उनके परिवार के लिए काफी मुश्किल का समय था। उनके घर वालों को इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। क्या बोलते हैं, घर में तो ऐसे मतलब किसी को नहीं पता था पहले टीबी होता है? किसी को नहीं पता था। जब पता लगा कि इनको टीबी हुआ है तो मतलब घर वालों ने कैसे मतलब वो घर वालों को ये हुई डर तो थोड़ा बहुत हमारे खुद हम खुद ने इनके पास जाते हैं पता फिर हमने अपना मुंह दाब के अभी भी जाते हैं इनको मुंह दाब के जाते हैं इनके पास ऐसे नहीं हम जाते हैं बच्चे भी नहीं आने देते हम। अच्छा ठीक है देखती है। लेकिन डॉक्टर्स के सहयोग से उन्होंने अपनी हिम्मत बांधे रखी। उनके परिवार वालों ने पूरी हिम्मत दिखाई और उनका पूरा साथ दिया। अब टीबी को मात देने की दृढ़ निष्ठा के साथ वो अपनी दवाई का कोर्स पूरा कर रही है। अब उनकी हालत में पहले से काफी ज्यादा सुधार आ चुका है और वो एक खुशहाल जीवन जीने की उम्मीद रखती हैं।